Amazon, Flipkart पे बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं और इन ऑफर्स में आपको लेनी है बेस्ट स्मार्ट वॉच अंडर 1000 इस वीडियो में बहुत सारी बेस्ट चॉइसेस बताई हैं सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट दो घंटे में रिप्लाई मिल जाए 800 900 के आसपास वॉच लेनी है तो सबसे पहला ऑप्शन है बीट माप नियो सारी डिटेल आपको दिख रही है बट इससे जो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है वो है बीट एक्सपी माप रीच ब्लूटूथ कॉलिंग ट्रेकिंग से रिलेटेड सारे फीचर्स आपको मिलते जाते हैं बट ट्रेकिंग एक्यूरेट आपको देखने को मिलेगी बाकी बेसिक सारे काम आपके हो जाएंगे नौ सौ निन्यानवे में करेंटली रेंज में फायर बोल्ट की निंजा थ्री प्लस भी मिल जाती पांच सौ के बजट में लॉन्च हुई थी और आज के टाइम नौ सौ निन्यानवे और सारे एवरीथिंग well इसी रेंज में जो नेक्स्ट चॉइस है देखने में काफी अच्छी लगती है ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे सारे फंक्शनलिटीज इसमें मिल जाते हैं आपको फायर बोल्ट निंजा थ्री प्लस स्मार्ट वॉच तो है बट इसमें कॉलिंग फंक्शनलिटी नहीं मिलती ये इस वाली में आपको कॉलिंग फंक्शनलिटी मिलती है नौ सौ निन्यानवे में करंटली अवेलेबल है जरूर कंसीडर करना लेटेस्ट वॉच है और इसी रेंज में ब्लूटूथ के साथ पाउल्ड क्राफ्ट भी अवेलेबल है फ्लिपकार्ड पे उसको भी कंसीडर कर सकते हो तो लुक डिफरेंट है बट तो अच्छी डील है नाउ कमिंग ऑन अगर आपको राउंड डायल पैड के साथ वॉच चाहिए नौ सौ के बजट में तो बोट फ्लैश एडिसन ही मिलेगा बहुत पुरानी वॉच है अभी भी सेल आउट हो रही है छोटी डिस्प्ले है वन पॉइंट इंचेस की सारे फीचर्स मिल जाते हैं ब्लूटूथ कॉलिंग नहीं मिलती इसी रेंज में जो दूसरी वॉच ज फायरबोल्ट डेस्टनी इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग भी मिल जाती है और बाकी सारे ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं स्लिम वॉच है देखने में काफी अच्छी लगती है पहनने में भी अच्छी लगती है फ्लिपकार्ड पे बोट लूनर स्पेस में फोर्टी mm का डायल पैड है और लेदर स्टेप के साथ आती है इसी रेंज में अगर बजट थोड़ा बढ़ा देते हो तो नॉइस ट्विस्ट भी अवेलेबल है चौदह के बजट पे और नॉइस ट्विस्ट सीरीज का ही नोइस ट्विस्ट गो भी अवेलेबल है जो की देखने में काफी अच्छी लगती है कब डिजाइन है ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे

सेगमेंट में थोड़ा बारह तेरह सौ बजट में आना चाहते हो तो पहली बेस्ट चॉइस है फायर बोल्ट ग्लैडिएटर स्टेनलेस स्टील में यह मॉडल अवेलेबल है और बहुत अच्छी चॉइस है एक हजार की अनबाउंड प्लस को भी कंसिडर कर सकते हो और बारह सौ के बजट में नोइस पल्स गो नॉइसिडर करना अच्छी चॉइस है नोइस की वॉचेज फायर बोल्ट की कंपेरिजन में ज्यादा अच्छी होती है नोइस पल्स टू मैक्स अच्छी चॉइस है अगर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए वन पॉइंट एट फाइव इंचेस की डिस्प्ले मिलती है इसी रेंज में बाउल्ड क्राउन को भी कंसडर कर सकते हो और बड़ी डिस्प्ले मिलेगी वन पॉइंट नाइन फाइव इंचेस की बाकी सारे फंशनलिटी आपको मिल जाती है और ये कुछ आई वॉच जैसी लगती है इसी रेंज में बोट की स्टॉम कॉल थ्री बी अवेलबल है और पंद्रह तक ले जा सकते हो तो बोट बेब सिकमा थ्री बी आ जाती है आराम से पंद्रह के बजट में प्रीमियम सेगमेंट भी वॉच चाहिए तो फायर बोल्टि अल्ट्रा को करना इसके बारे में मैंने बहुत सारी बात करी है बहुत अच्छी वॉच है पंद्रह के बजट में तो ये वेल्यू फॉर मनी वॉच है सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी भी कोई डाउट है प्लीज कॉमेंट